अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने। इस फिल्म का संगीत दिए थे राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिल राजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्ट बौद्धिक व्यक्ति के रूप में मैरिन परिजद्दा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भटेना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी, लेकिन लेखन और आसमान स्वर के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरीन परिजद्दा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजद्दा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रविपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था, क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रविपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रविपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथुनेनी और एनटी रामाराव जूनियर से संपर्क किया, लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेहरीन परिजादा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा धन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियम चिडॉक पर होने की उम्मीद है।
मार्च 2022 में टीवी चैनल और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज़ दी थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेरिन परिजद्दा, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेरिन परिजद्दा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेरिन परिजद्दा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीरा प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेरिन परिजद्दा महानुभावुक 2017, राजा द ग्रेट 2017 और एफ टू फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 सहित सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में DSP देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजद्दा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लू श्रीवन्नी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्तापद्दुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डगान 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू पदुत्ता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेम को वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने रवि तेजा को इटली श्रीवन्नी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक
एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्तापदरू में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सहकलाकार की रिलीज की गई थी। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे, जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, मेहरीन परिजादा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने, इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिलराजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्टिबधिर व्यक्ति के रूप में मेहरीन परिजादा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भटेना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी, लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरीन परिजादा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजादा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रविपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रविपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रविपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथोनेनी और एन टी रामा राव जूनियर से संपर्क किया, लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेहरीन परिजादा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था।
70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म को रिहाई फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा राजाधन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियम चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज दी थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेरिन परिजदा ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेरिन परिजदा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेरिन परिजदा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीरा प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेरिन परिजदा महानुभावुक 2017 राजा द ग्रेट 2017 और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 सहित सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में DSP देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजदा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लू श्रीवन्नी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्ता पद्दुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डगाम 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूपमेंट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता रामा राजू
पदुता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेम को वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने तेजा रवि तेजा को इटली श्रीवानी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्तापदरु में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह कलाकार की रिलीज की गई थी। राजा द ग्रेट मूवी के बारे में जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा मेहरिन परिजादा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिलराजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्टबधिर व्यक्ति के रूप में मेहरिन परिजादा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भटना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरिन परिजादा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरिन परिजादा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं।
बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रावीपूड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था, क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रावीपूड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रावीपूड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथोनेनी और एनटी रामाराव जूनियर से संपर्क किया, लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेरिन परिजादा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा राजाधन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियम चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज दी थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेरिन परिजादा, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेरिन परिजादा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेरिन परिजादा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीर प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेरिन परिजादा महानुभावुक 2017, राजा द ग्रेट 2017 और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 सहित सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में DSP देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजादा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लू श्री श्री वन्नी सुब्रमण्यम 2001 और
अबुनु बल्ली डारु इस्ता पद्दुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डा गान 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू पदुत्ता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेम को वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जोड़ा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने रवि तेजा को इटली श्रीवानी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारु इस्ता पद्दरु में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह कलाकार की रिलीज की गई थी। राजा द ग्रेट मूवी के बारे में जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था। और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा मेहरिन परिजा दा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिलराजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्टबधिर व्यक्ति के रूप में मेरिन परिजद्दा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भटना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी।
यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरीन परिजादा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजादा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रविपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रविपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यवसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रविपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथोनेनी और एनटी रामाराव जूनियर से संपर्क किया लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेहरीन परिजादा को कास्ट किया गया था लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा राजाधन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियम चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज दी थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजादा ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेहरीन परिजादा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेहरीन परिजादा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीरा प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेहरीन परिजादा महानुभावुक 2017 राजा द ग्रेट 2017 और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 सहित सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में DSP देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेहरीन परिजादा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता
राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लू श्रीवनी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्ता पद्दुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डगाम 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू पदुत्ता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेम को वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने रवि तेजा को इटली श्रीवन्नी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्ता पद्दरु में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह कलाकार की रिलीज की गई थी। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मचौटेड फिल्म सुपरस्टार रवि तेजा सर की फिल्म राजा द ग्रेट मूवी के बारे में, जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे, जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, मेहरीन परिजादा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था।
राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिल राजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्ट बौद्धिक व्यक्ति के रूप में मैरिन परिजद्दा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भट्टना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी, लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरीन परिजद्दा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजद्दा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रविपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रविपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रविपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथोनेनी और एनटी रामाराव जूनियर से संपर्क किया लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेरिन परिजादा को कास्ट किया गया था लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा धन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियर चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज दी थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजद्दा ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से
बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेरिन परिजदा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेरिन परिजदा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीरा प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेरिन परिजदा महानुभावुक 2017, राजा द ग्रेट 2017 और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 से सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में DSP देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजदा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लू श्रीवन्नी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्तापदुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डगाम 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू पदुत्ता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमकु वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने रवि तेजा को इटली श्रीवन्नी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्तापदरु में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सहकलाकार की रिलीज की गई थी। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मचौटेड फिल्म सुपरस्टार रवि तेजा सर की फिल्म राजा द ग्रेट मूवी के बारे में, जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था।
और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे, जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, मेहरीन परिजादा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने, इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिलराजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्ट बौद्धिक व्यक्ति के रूप में मेहरीन परिजादा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भट्टना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी, लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरीन परिजादा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजादा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रविपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रविपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रविपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथोनेनी और एनटी रामाराव जूनियर से संपर्क किया, लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेहरीन परिजादा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था।
70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म को रिहाई फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा राजाधन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियर चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज़ दी थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेरिन परिजदा ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेरिन परिजदा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेरिन परिजदा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीरा प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेरिन परिजदा महानुभावुक 2017 राजा द ग्रेट 2017 और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 सहित सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में DSP देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजदा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लू श्रीवन्नी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्तापद्दुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डगाम 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू
पदुता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेम को वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने तेजा रवि तेजा को इटली श्रीवानी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्ता पद्दरू में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सहकलाकार की रिलीज की गई थी। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मचौटेड फिल्म सुपरस्टार रवि तेजा सर की फिल्म राजा द ग्रेट मूवी के बारे में, जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों, साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे, जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था। और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, मेहरीन परिजादा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने, इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिलराजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्ट बौद्धिक व्यक्ति के रूप में मेहरीन परिजादा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भटना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिक द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी, लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरीन परिजादा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों, बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजादा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों, बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है। और दोस्तों,
देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों, फिल्म का उत्पादन अनिल रब्बीपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था, क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे। और अनिल रब्बीपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने, और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रब्बीपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेतोनेनी और एनटी रामाराव जूनियर से संपर्क किया, लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेरिन परिजादा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और रिहाई फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा राजाधन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों, बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियर चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल। और दोस्तों, बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज दी थी। बात करें दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेरिन परिजादा, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेरिन परिजादा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है, और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेरिन परिजादा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीरा प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेरिन परिजादा महानुभावुक 2017, राजा द ग्रेट 2017 और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 से सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में DSP देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों, भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजादा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों, बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि
इल्लु श्री वन्नी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्तापद्दुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डागान 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू पदुत्ता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेम को वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने रवि तेजा को इटली श्री वन्नी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्तापद्दरु में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह कलाकार की रिलीज की गई थी। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मचौटेड फिल्म सुपरस्टार रवि तेजा सर की फिल्म राजा द ग्रेट मूवी के बारे में जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था। और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, मेहरीन परिजादा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिलराजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्टबधिर व्यक्ति के रूप में मेहरीन परिजादा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भट्टना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी।
फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी। लेकिन लेखन और आसमान स्वर के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरीन परिजादा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजादा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है। और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रब्बीपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था, क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रब्बीपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यवसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रब्बीपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथुनेनी और एनटी रामाराव जूनियर से संपर्क किया, लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेहरीन परिजादा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा राजाधन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियर चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल। और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज़ दी थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजादा ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेहरीन परिजादा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेहरीन परिजादा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीर प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेहरीन परिजादा महानुभावुक 2017 राजा द ग्रेट 2017 और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 सहित सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में
डीएसपी देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजदा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लू श्रीवन्नी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्तापद्दुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डगाम 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू पदुत्ता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेम को वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने रवि तेजा को इटली श्रीवन्नी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्तापद्दरु में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सहकलाकार की रिलीज की गई थी। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मच आउटेड फिल्म सुपरस्टार रवि तेजा सर की फिल्म राजा द ग्रेट मूवी के बारे में जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था। और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा मेहरिन परिजदा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने। इस फिल्म का संगीत दिए थे
राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिल राजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्ट बौद्धि व्यक्ति के रूप में मैरिन परिजद्दा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भटना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी, लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरीन परिजद्दा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजद्दा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रविपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रविपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रविपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथोनेनी और एनटी रामाराव जूनियर से संपर्क किया, लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेरिन परिजादा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा राजाधन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियम चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज़ दी थी।
बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेरिन परिजदा, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेरिन परिजदा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेरिन परिजदा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीरा प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेरिन परिजदा महानुभावुक 2017, राजा द ग्रेट 2017 और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 से सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में DSP देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजदा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लू श्रीवन्नी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्तापदुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डगाम 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू पदुत्ता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमकु वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने रवि तेजा को इटली श्रीवन्नी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्तापदरु में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह कलाकार की रिलीज की गई थी। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मचौटेड फिल्म सुपरस्टार रवि तेजा सर की फिल्म
राजा द ग्रेट मूवी के बारे में जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे, जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था। और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, मेहरीन परिजादा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने, इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिलराजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्ट बौद्धि व्यक्ति के रूप में मेहरीन परिजादा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भट्टना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी, लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरीन परिजादा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजादा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रविपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था, क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रविपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रविपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथुनेनी और एनटी रामा राव जूनियर से संपर्क किया, लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेहरीन परिजादा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में
हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म को रिहाई फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा राजाधन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियर चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज दी थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेरिन परिजदा, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेरिन परिजदा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेरिन परिजदा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीर प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेरिन परिजदा महानुभावुक 2017, राजा द ग्रेट 2017 और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 सहित सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में DSP देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजदा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लू श्रीवन्नी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्तापदुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डगाम 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था।
इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू पदुता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेम को वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने तेजा रवि तेजा को इटली श्रीवानी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्ता पद्दरू में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह कलाकार की रिलीज की गई थी। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मचौटेड फिल्म सुपरस्टार रवि तेजा सर की फिल्म राजा द ग्रेट मूवी के बारे में जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा मेहरिन परिजादा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिलराजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्ट बौद्धिक व्यक्ति के रूप में मेहरिन परिजादा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भट्टना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरिन परिजादा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरिन परिजादा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है।
वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंत लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रब्बीपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रब्बीपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रब्बीपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथुनेनी और एनटी रामाराव जूनियर से संपर्क किया लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेरिन परिजादा को कास्ट किया गया था लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और रिहाई फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा राजाधन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियर चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज दी थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेरिन परिजादा ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेरिन परिजादा एक भारतीय अभिनेत्री है मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेरिन परिजादा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीर प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेरिन परिजादा महानुभावुक 2017 राजा द ग्रेट 2017 और एफ टू फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 सहित सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में डीएसपी देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजादा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए
सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में निक कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लु श्रीवन्नी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्तापदुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डा गान 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू पदुत्ता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमकु वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने रवि तेजा को इटली श्रीवन्नी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्तापदरु में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह कलाकार की रिलीज की गई थी। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मचौटेड फिल्म सुपरस्टार रवि तेजा सर की फिल्म राजा द ग्रेट मूवी के बारे में जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था। और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा मेहरीन परिजादा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिलराजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्टबधिर व्यक्ति के रूप में मेहरीन परिजादा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भटना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है।
फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी, लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनने 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरीन परिजादा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजादा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रब्बीपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था, क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रब्बीपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रब्बीपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथोनेनी और एन टी रामा राव जूनियर से संपर्क किया, लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेहरीन परिजादा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा धन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियम चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साय द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है। राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज दी थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजादा ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेहरीन परिजादा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेहरीन परिजादा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीर प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेहरीन परिजादा महानुभावुक 2017 राजा द ग्रेट 2017 और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 सहित सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी।
यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में डीएसपी देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजदा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लू श्रीवन्नी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्ता पद्दुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डगाम 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू पदुत्ता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमकु वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने रवि तेजा को इटली श्रीवन्नी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्ता पद्दरू में वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह कलाकार की रिलीज की गई थी। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मचौटेड फिल्म सुपरस्टार रवि तेजा सर की फिल्म राजा द ग्रेट मूवी के बारे में, जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे, जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, मेहरिन परिजदा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोह
इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने, इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिल राजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्ट बौद्धिक व्यक्ति के रूप में मैरिन परिजद्दा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भटना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी, लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरिन परिजद्दा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरिन परिजादा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रविपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था, क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रविपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रविपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथोनेनी और एनटी रामाराव जूनियर से संपर्क किया, लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था। रवि तेजा के अपोजिट मेरिन परिजादा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा राजाधन के रूप में रिलीज किया गया था। और वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म को 2021 में इसी शीर्षक के तहत पर मलयालम डब किया गया था और हिंदी डब संस्करणों के प्रीमियर चिडॉक पर होने की उम्मीद है। मार्च 2022 में टीवी चैनल और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीतकार कार्तिकेय साई द्वारा रचित है और आदित्य द्वारा म्यूजिक कंपनी पर जारी किया गया है।
राजा द ग्रेट शीर्षक गीत ऑनलाइन जारी किया गया था और जिसके लिए रवि तेजा ने अपनी आवाज़ दी थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री मेरिन परिजदा, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी तेलुगु फिल्म में भी काम करती है। मेरिन परिजदा एक भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है और जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। मेरिन परिजदा ने 2016 में आई फिल्म तेलुगु फिल्म कृष्णा गाड़ी वीरा प्रेम गढ़ में अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2017 में फिल्लौरी और तमिल में नेंजिल और थोनी विरुद्धल के साथ हिंदी में शुरुआत किया था। मेरिन परिजदा महानुभावुक 2017, राजा द ग्रेट 2017 और एफ टू फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 सहित सफल तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। यह तमिल फिल्म पट्टा 2020 में भी दिखाई दी थी जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने 2019 में DSP देवा के साथ पंजाबी फिल्म की शुरुआत की थी। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री मेरिन परिजदा अपना पहला रेप और वाक 10 साल की उम्र में किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, जिसे रवि शंकर राजू और भूपति राजू के नाम है और जिन्हें मंच नाम रवि तेजा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रवि तेजा ने 70 से अधिक फिल्म में दिखाई दिए हैं और तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने नी कोसम 1999 और खड्डगाम 2002 में फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने 1999 में नी कोसम के साथ प्रमुख भूमिका में अभिनेता के रूप में अपनी पेशावर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जैसे कि इल्लू श्रीवन्नी सुब्रमण्यम 2001 और अबुनु बल्ली डारू इस्तापद्दुरु में अभिनय किया था। 2002 में इडियट 2002 और खड्डगाम 2002 जैसे कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सुपरस्टार अभिनेता राजा द ग्रेट मूवी में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 से 1996 तक चेन्नई में काम करने के अपने शुरुआती वर्षों में YBS चौधरी के गुन्ना शेखर उनके रूममेट थे। और बात करें दोस्तों इनकी मान्यता फिल्म 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वंशी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने सीता राम राजू पदुत्ता और त्यागा मानसिची चुड्डू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमकु वेला राया फिल्म जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1999 में इन्होंने श्रीनु वैतला द्वारा नी कोसम के लिए एक प्रमुख भूमिका में चुना गया था। 2001 में पूरी जगन्नाथन के साथ तेजा का जुड़वा तथा शुरू हुआ और जब उन्होंने रवि तेजा को इटली श्रीवन्नी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली और 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु वल्ली डारू इस्तापद्दुरु में वंशी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह कलाकार की रिलीज की गई थी।
तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म, मोस्ट एंड मचौटेड फिल्म, सुपरस्टार रवि तेजा सर की फिल्म राजा द ग्रेट मूवी के बारे में, जिसे 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे राजा द ग्रेट मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को लेकर हाजिर हुए हैं जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार रवि तेजा सर के फिल्म राजा द ग्रेट मूवी का डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने किया था और वहीं इस फिल्म का लिखित अनिल रविपुड़ी ने लिखे थे, जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू ने किया था। और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा, मेहरीन परिजादा अभिनेत्री राधिका जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन मोहना कृष्णा ने किया था और फिल्म का संगीत दिया है साई कार्तिकी ने, इस फिल्म का संगीत दिए थे। राजा द ग्रेट मूवी का प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा इसे बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। राजा द ग्रेट मूवी का कार्यकारी समय सीमा 150 मिनट की बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तेलुगु भाषा में बनाया गया था। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस बैनर दिलराजू द्वारा निर्मित है। फिल्म में रवि तेजा एक दृष्ट बौद्धि व्यक्ति के रूप में मेहरीन परिजादा और राधिका के साथ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। विवान भट्टना अपने तेलुगु डेब्यू में राजेंद्र प्रसाद और प्रकाश राज और संपत राज साई कार्तिकेय द्वारा संगीत वृद्ध संगीत के साथ सहायक भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म रवि तेजा के बेटे महाधन की बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 में हैदराबाद और दार्जिलिंग में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली और जिसमें कलाकार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और मनोरंजक की मूल्य की प्रशंसा की गई थी, लेकिन लेखन और आसमान स्व के लिए आलोचना की गई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिनमें 50 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री मेहरीन परिजादा की जोड़ी ये राजा द ग्रेट मूवी में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही थी और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा राजा के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री मेहरीन परिजादा ये भी अपने लकी के रूप में अपना किरदार निभाई है। वैसे ही दोस्तों बात करें राधिका कांस्टेबल अंतर लक्ष्मी राजा की मां के रूप में अपना किरदार निभाई है और दोस्तों देवराज के रूप में विवान भटेना ने अपना किरदार निभाए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म का उत्पादन अनिल रविपुड़ी को मुख्य भूमिका के रूप में दृष्टवादी चरित्र वाली फिल्म बनाने के विचार था, क्योंकि वह उनकी प्रतिभा से मोहित थे और अनिल रविपुड़ी नहीं चाहते थे कि फिल्म का काला फिल्म बने और उन्होंने इसकी पाठकथा व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में लिखी थी। अनिल रविपुड़ी ने फिल्म के लिए राम पेथोनेनी और एनटी रामाराव जूनियर से संपर्क किया, लेकिन रवि तेजा को अंतिम रूप दिया गया था।
रवि तेजा के अपोजिट मेरिन परिजादा को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में हैदराबाद में शुरू हुई और उत्पादन उस महीने के अंत दार्जिलिंग में चला गया था। 70% शूटिंग जुलाई 2017 तक पूरी कर ली गई थी और रिहाई फिल्म को 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म को बाद में तमिल में 2019 में राजा राजाधन के रूप में रिलीज किया गया था।